हम लोग आज फिर से नए पार्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको कि रैपसेक भी बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप अगर पिछले मेरे वीडियो को देखा होगा आपने, तो मैंने उसमें बहुत सारा चीज बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद एटम क्या है वो बताया था, थॉमसन्स का मॉडल क्या है ये बताया था। तो अपन आज एक नए सिरे से करेंगे शुरू, और इसके जब भी करेंगे ये नीट जेई और बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में इसके थ्योरी आएंगे और नीट में इसके क्वेश्चंस आएंगे और जेई में इससे इसके अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो अपन इसी में पढ़ते पढ़ते अपन सारे मतलब प्रीवियस के क्वेश्चंस भी कर लेंगे और एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर ये था क्या एक्सपेरिमेंट। चलिए अपन शुरू करते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये था कि रदरफोर्ड को जब थॉमसन ने कहा था कि एक वाटरमेलन टाइप का होता है एटम, जिसमें कि रेडिश पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है, तो रदरफोर्ड को इस बात से बहुत दिक्कत था। रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि एक सबसे बड़ा पार्ट पॉजिटिव हो और उसमें नेगेटिव मतलब इम्बेडेड हो, वाटरमेलन के केस में एज ए सीड हो। तो उसने ये कहा, तो एक रदरफोर्ड उस टाइम में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, अब अच्छे से देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि उसी टाइम में रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी, जो कि मैडम क्यूरी ने किया था। तो इसने मैडम क्यूरी से बात की, मैडम क्यूरी को उस टाइम नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, करीब, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। तो मैडम क्यूरी को पोलोनियम और रेडियम खोजने को मिला था, पोलोनियम और रेडियम खोजने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उसने रदरफोर्ड ने बात किया क्योंकि वो जानता था कि एटम को जानना है तो एक ऐसे रेज को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि किसी भी चीज को, जैसे कि अपन बॉडी के अंदर को पार्ट को जानना है कैसा है, फ्रैक्चर हुआ है, तो अपन एक्सरे को ढूंढते हैं, एक्सरे से करते हैं। इसलिए रदरफोर्ड ने जाना कि अगर एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अगर उसके किसी भी इंटरनल चीज को जानना है तो अपन को किसी रे की जरूरत पड़ेगी। तो उसने देखा कि उस टाइम मैडम क्यूरी ने एग्जैक्टली उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे खोज की थी, तो उन्होंने बात किया उसे, बात किया कि मतलब बात किया कि जो आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किया उसका प्रॉपर्टी क्या है। उन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है तो उनमें क्या है कि उनमें रेस निकलते हैं, बाकी अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जानते हैं आपकी मतलब गामा रेज की सबसे हाईएस्ट मतलब पेनिट्रेटिंग वैल्यू होती है, जैसे कि वो किसी के बॉडी में इंसर्ट कर जाए तो हो सकता है कि सेल को भी मार दे और हमेशा के लिए आपको दिक्कत पहुंचा सकता है। तो उसने बात किया, उसके बाद इसने उसमें अल्फा रे को चुना, अल्फा रे को चुना ताकि एटम के किसी भी चीज का एटम में जो उसके इंटरनल चीज को जान पाए, मतलब इंटरनल फीचर्स को जान पाए। और अल्फा रे जो है, सबसे पहला बात अल्फा रे इस सारे क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप के, अल्फा रे जो है वो निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रे निकलता है। और दूसरा चीज है कि उस टाइम रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में रेडियम का यूज किया था, ठीक है। और मैं देखता हूं अपन अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि अल्फा रे को अल्फा रे को अपन हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये आपको एक बार IIT 2005 में क्वेश्चन आया था कि अल्फा रे इज प्रोपोर्शनल टू वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, कैसे होता है मैं इसको प्रूव करता हूं। अल्फा रे में एग्जैक्टली 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है,
या ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा रे में हीलियम का वो एटम है, मतलब हीलियम का एटम, हीलियम का हीलियम एटम हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये इस टाइप का होगा H2+ का। हीलियम में दो होता है और मैंने दो को निकाल दिया है तो 2+ है, प्लस का मतलब होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जीरो है, पर इसमें 2 प्रोटॉन और 2 मतलब न्यूट्रॉन होता है, तो इसको अल्फा रे को अपन क्या है कि हीलियम न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। चलिए अभी मैं बस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज यूज किया था उसको मैं डील कर रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट कर दिखाऊंगा। उसके बाद उसने जो चीज यूज किया, पहले अपन जो जो चीज उसने यूज किया उसको जान के फिर लास्ट में एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। उसने सबसे पहले यूज किया, उसने एक लीड का सिंथेसिस किया, उसने एक लीड का एक डेंस कह सकते हैं, क्यों डेंस बता रहा हूं मैं, डेंस क्लोज एक कंटेनर लिया जिसमें से उसने क्या किया कि रेडियम को रखा। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे कि वो अल्फा रे को बम्बार्ड कराएगा किसी भी एटम पे, तो इससे क्या है कि अल्फा रे निकल रहा है और ये लीड का सरफेस इसलिए लिया है इसको आउटर पे, और इसने एक तरफ मुंह जो माउथ को खुला रखा है, खुला इसलिए रखा है ताकि यही से अल्फा रे निकलेगा। लेकिन इसने लीड का सरफेस पीछे क्यों लिया है, क्योंकि लीड एक हैवी मेटल है और हैवी मेटल है तो इससे क्या है कि अल्फा रे चारों तरफ फैल सकता है, तो पीछे के डायरेक्शन में जो है वो अल्फा रे जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब यूनिट डायरेक्शनल वे में वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो लीड का सरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद अपन पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसने क्या क्या बोला था। ठीक है, तो अभी तक आपन ने जान लिया रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को ले लिया। अल्फा पार्टिकल्स को लेने के बाद उसने पीबी का एक कोटिंग लिया, प्लम्बम इसको बोलते हैं लीड का, जिसमें कि उसने रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, और उससे क्या है कि आपको अल्फा पार्टिकल जो कि डबल पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये बहुत हार्ड होता है, बहुत मासिव सा होता है, जैसे कि चलते हुए हाथी की तरह बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है ये, और इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और ये रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे नहीं निकल रहा, और ये रेडियम जो है वो लीड के किसी कंटेनर में रखा हुआ है जो कि यूनिट डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन से निकल रहा है, क्योंकि मतलब अल्फा पार्टिकल एक ऐसा है जो कि आपको बॉडी को भी हार्म कर सकता है जो भी ऑब्जर्वर हो या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तो एग्जैक्टली अब क्या हुआ कि जब उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, उसने कराया था गोल्ड फॉइल में। एग्जैक्टली बहुत मतलब क्वेश्चन होता है कि सर गोल्ड फॉइल पे ही क्यों कराया। गोल्ड फॉइल पे कराने का मतलब इसका यह है कि गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। गोल्ड फॉइल अगर आपने सिक्स में पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, तो उसमें एक आता था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के मामले में गोल्ड बहुत बड़ा चीज है, लगभग 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं, ऐसा है, तो बहुत ज्यादा डक्टाइल है, और इसलिए डक्टिलिटी का मतलब क्या है, इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस अपन इसलिए लेते हैं ताकि कि जब भी अपन अल्फा रे का बम्बार्डमेंट कराएंगे इस पे तो क्या होगा, एटम बहुत छोटा चीज है, एटम बहुत छोटा चीज है, तो बम्बार्डमेंट कराने के बाद इसके अंदर का फीचर्स जानने के लिए इसका न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए। और जनरली जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इसलिए किया था ताकि थॉमसन ने जो दो चीज बताया था उसको गलत प्रूव कर सके, क्योंकि उसको लगता था कि
कुछ ना कुछ चीज ऐसा अंदर में है जो कि थॉमसन ने नहीं बता पाया, जो कि न्यूक्लियस था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि इस एक्सपेरिमेंट से अपन न्यूक्लियस का खोज करते हैं। अब देखते हैं, तो जब इसने बम्बार्डमेंट, मैंने फिगर को बनाया है, अगर ये फिगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरे नोट्स पर देख सकते हैं, बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं, अब जब इसने अल्फा रे का बम्बार्डमेंट कराया तो ये गोल्ड गोल्ड फाइल है। और सबसे बात इसको देखने के लिए एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि इसके पीछे एक स्क्रीन लगा होता है जो कि जर्नेस का होता है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, जो कि एक फोटोजेनिक टाइप का होता है, जिसमें कि वो ये डिटेक्ट करता है कि अल्फा रे कहां कहां टकराया है। तो वो जर्नेस स्क्रीन इसलिए लगाता है ताकि अल्फा रे जो कि गोल्ड पॉइंट से पास कर रहा है उसको अपन डिटेक्ट कर पाए। अब देखते हैं आगे, जब उसने अल्फा रे का बम्बार्डमेंट कराया गोल्ड फॉइल पे, तो उसने देखा कि बहुत मोस्ट ऑफ द रे है, जो मोस्ट ऑफ द रे है वो क्या है कि किसी एटम से स्ट्रेट वे में पास कर जा रहा है, मतलब 99.9% ऑफ द रे वेंट स्ट्रेट। उसके बाद उसने ये देखा, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट एक घर में चल रहा हो या सब उसका घर का हो, तो उसने दूसरा चीज ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा रे ऐसे हैं जो कि बहुत लार्ज एंगल पर डेविएट कर जा रहे हैं। एक्जेक्टली जाना चाहिए था सीधा, उसने इतना एंगल कवर किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब सीधे से जितना एंगल वो डिफ्लेक्ट किया ऊपर, वो क्या है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि आप हम थीटा भी बोल सकते हैं। इसका भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे आगे, जब एम्स एंड नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा आगे, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं, तो इसने देखा कि बहुत सारे अल्फा रे ऐसे हैं जो कि लार्ज एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, बहुत सारे अल्फा रे ऐसे हैं जो कि स्मॉल एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, और बहुत सारे अल्फा रे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली जाके टकरा के 180 डिग्री पर रिटर्न बैक हो रहे हैं। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब अल्फा रे का बम्बार्डमेंट चल रहा था तो आप समझ सकते हो कि एक सेकेंड में 20,000 अल्फा पार्टिकल जाके टकरा रहा था न्यूक्लियस, सॉरी गोल्ड फाइल पे 20,000। और रदरफोर्ड को अपन इसलिए भी जानते हैं कि रदरफोर्ड ने इतने सारे 20,000 जो अल्फा पार्टिकल जाके जो बम्बार्ड कर रहे हैं उसमें जो सबसे स्मॉल एंगल था 0.37 डिग्री का, उसको भी डिटेक्ट कर लिया था, जो कि ऐसा मात्र एक दो ही पार्टिकल था। तो उसका इसलिए उसको याद किया जाता है क्योंकि उसने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट में एक छोटे भी चीज का डिटेक्शन कर लिया था। ये सबसे छोटा एंगल है जिससे कि अल्फा के मतलब इसमें क्या है कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ था, तो सबसे स्मॉल डिफ्लेक्शन इतने का ही हुआ था। और इसने रदरफोर्ड ने इसको भी डिटेक्ट किया है, इसलिए उसको जाना जाता है कि वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। और न्यूक्लियस तो हर चीज में होता है, तो अपन देखते हैं आगे। उसके बाद अब उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है चले जा रहे हैं, एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं, उसके बहुत सारे अल्फा रे डायरेक्ट चले जा रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल एंगल पे जा रहे हैं, बहुत सारे लार्ज एंगल पे जा रहे हैं, और बहुत सारे 180 डिग्री पे रिटर्न कर जा रहे हैं। अब उसने सोचा, उसने इस एक्सपेरिमेंट को बस देख के ऑब्जर्वेशन जो किया उसने लिख के जाके सोचा, जब सोचा तो उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा। थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव स्फीयर होता है, जो उसमें नेगेटिव वो इम्बेडेड होता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। अल्फा पार्टिकल का काम है कि किसी भी चीज के अंदर का वो फीचर डिटेक्ट करता है, तो अल्फा पार्टिकल क्यों हो रहा है कि कोई बार बार पास कर जा रहा है, कोई स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन कर रहा है, कोई लार्ज एंगल पे बाहर जा रहा है, कोई डायरेक्ट 180 डिग्री पे जाके टकरा के वापस आ रहा है। और वो जानता था कि कुछ ना कुछ अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि, क्योंकि अल्फा रे एक बहुत हैवीएस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी एटम के अंदर में जाके उसके फीचर्स को डिटेक्ट करता था। तो उसने सोचा कि पक्का ऐसा होगा, तो उसने सबसे पहले चीज को सोचा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्या है कि एटम से पास हो जा रहा है। मतलब उसने ये कहा, उसने कहा आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप नोट पे देख सकते हो, 99.9% ऑफ एटम इज एम्प्टी।
उसने कहा कि 99.9% ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसने इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा कि लगभग 20,000 में लगभग जो कि 20,000 पर सेकेंड मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल जो एक सेकेंड में जो बम्बार्ड करा रहा है, तो उसने देखा। और ये पीछे एक जर्नलिस्ट का स्क्रीन लगा होता है जहां की अल्फा पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो नोटेड हो रहा है। तो उसने बोला कि इसीलिए एटम से गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द अल्फा रे स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि 99% ऑफ द एटम क्या है, खाली है। क्योंकि लॉजिक से नहीं, उसके उसका बात जो था वो लॉजिकल था। क्योंकि अगर सीधा जा रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि बहुत सारे स्पेस ऐसे हैं जो कि खाली है। और हम जानते हैं कि हाँ खाली होता भी है क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत छोटा है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वैकेंट है। इसीलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या है कि वो सीधा जाते हैं। फिर उसने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे स्मॉल एंगल पे डिविएट कर रहे हैं, बहुत सारे लार्ज एंगल पे डिविएट कर रहे हैं। तो उन्होंने तो वो ऐसा सोचा कि पक्का अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई ना कोई चीज ऐसा अंदर में है जिस पर कि सेम चार्ज है। और हो सकता है कि उस टाइम ये पता चल चुका था कि जो भी अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो भी सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं। तो उसने सोचा कि जो पॉजिटिव चार्ज है पक्का एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा सेम चार्ज है, मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव हो। अब उस पॉजिटिव में सोचा उसने क्योंकि जिससे कि रिपेयर हो रहा है, लेकिन वो सोचा कि आखिर जब रिपेयर हो रहा है तो फिर डिफरेंट एंगल पे क्यों वर्क हो रहा है, एक स्मॉल डिफ्रेक्शन दे रहा है एक लार्ज डिफ्रेक्शन दे रहा है। तो उसने सोचा कि पक्का है कि स्मॉल डिफ्रेक्शन वाला, ये तो कन्फर्म किया उसने कि अंदर में सेम ही चार्ज है जो कि अल्फा पार्टिकल का। उसने बोला कि पक्का है कि जब हम अल्फा रे का जब बम्बार्डमेंट करा रहे होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो उसकी वेलोसिटी इतना ज्यादा, क्योंकि वो बार बार जिससे वो बम्बार्डमेंट कर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी को तेज करता था, तो वो ऐसा रहा होगा कि बहुत जल्दी से उस मतलब सेम चार्ज वाले के पास पहुंच गया होगा। और उसके बाद जितना उसके अंदर का जो पॉजिटिव जिसका जितना उसके पास स्ट्रेंथ था उसके हिसाब से उसने रिपेयर किया होगा, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज्यादा फास्ट होने के कारण यहां तक पहुंच के फिर रिपेयर हुआ। तो उससे क्या हुआ कि बहुत कम एंगल ये प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि कम एंगल प्रोड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि जो ये रिपेयर करता इस पार्टिकल को, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, तो ये इसके करीब पहुंच के फिर रिपेयर हुआ। तो क्या इससे बहुत कम एंगल हुआ। उसके बाद अगर लार्ज एंगल का डिफ्रेक्शन कर रहा है तो मतलब इसकी स्पीड नॉर्मल नहीं होगी, और इसने जैसे नॉर्मल एज ए नॉर्मल इसने इसको रिपेयर किया हुआ, तो लार्ज हुआ। तो उसको ये इससे दूसरा चीज ये मालूम चला कि पक्का कोई ना कोई ऐसा न्यूक्लियस में चार्ज है जो कि सेम चार्ज है अल्फा पार्टिकल के, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। उसने इसको कहा कि पक्का मतलब एटम के अंदर में जो है कोई ऐसा चीज है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद थर्ड चीज उसने कहा, जो भी थ्योरी से आप अपने नोट्स देख सकते हो उसको, उसने थर्ड अब सबसे बड़ा चीज था कि उसने ये सोचा कि ठीक है बहुत सारे सीधा चले गए, बहुत सारे थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत सारे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। फिर उसने कहा कि ये कैसा केस है कि जाके अल्फा पार्टिकल टकरा के फिर 180 डिग्री वापस आ रहा है। तो उसको इस ऑब्जर्वेशन ने सोचने पे मजबूर किया कि पक्का वो सोच रहा है कि अल्फा पार्टिकल खुद एक बहुत हैवी पार्टिकल है, हैविंग बहुत अच्छा मास है उसमें, मतलब अगर ये जाके टकरा के आ रहा है इसका मतलब ये पक्का है कि इससे भी कोई खतरनाक आदमी अंदर बैठा हुआ है। और उसका मास इतना कंसंट्रेटेड है, इतने छोटे में है, और पता है छोटे चीज जो होते हैं ना उनका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो वो सोचा कि पक्का कुछ अंदर में ऐसा मास कंसंट्रेटेड है जिससे कि अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के आ जाता है। तो उसने ये थ्योरी दिया कि अंदर में कोई भी चीज है वो एक तो वो सेम चार्ज का है और वो बहुत मासिव है जिससे कि वो जाके अल्फा रे टकरा के वापस आ रहा है। और एग्जैक्टली जब आप आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस ही एटम के
मोस्ट ऑफ द मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको मालूम है कि तीनों सब पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो कि आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें सबसे ज्यादा हैवीस्ट पार्टिकल जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द जो मास है वो क्या है, अंदर भी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो उसने कहा कि पक्का है कि अल्फा पार्टिकल एक तो मासिव है, वो गया टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि न्यूक्लियस में कोई ना कोई ऐसा चीज है जो कि इससे भी मासिव है। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया, तीन चीज दिया। उसने पहला चीज कहा कि भाई पक्का है कि एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। दूसरा चीज कहा कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज ये पॉजिटिव है और सेम चार्ज, पक्का है कि एटम के अंदर भी सेम चार्ज है। और तीसरा चीज कहा कि ये 180 पे जाके टकरा के वापस आ रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये पक्का है कि अगर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मतलब इससे भी मासिव कोई चीज बैठा हो, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऐसे कोई भी आदमी है अगर अपन से स्ट्रांग है तभी उससे अपन टकरा के वापस आ सकते हैं, नहीं तो अगर हमसे अगर वीक है तो क्या वो हमसे टकरा के गिर सकता है। तो इससे मालूम है अल्फा पार्टिकल से भी स्ट्रांग चीज, और ऐसा है कि न्यूक्लियस इतना छोटा टाइप का होता है, किसी का आप हाइड्रोजन का लोगे तो अगर आप पूरे आगे जो आगे का न्यूक्लियर पार्ट उसको हटा दोगे तो आप उसके न्यूक्लियस को जेब में भी रख सकते हो, ऐसा है। मतलब एटम मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के केस में इतना छोटा पार्ट है न्यूक्लियस। तब उसने कहा कि भाई पॉजिटिव है, कंसंट्रेटेड है, तब उसने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कोर, मतलब किसी भी एटम का कोर जो कि मासिव होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। और तब मुझे मालूम चला कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप पता है कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और जैसे कैसे कैसे खोज हुआ मतलब प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, ये सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद कैथोड रे ट्यूब भी पढ़ेंगे, आप कैथोड रे ट्यूब देखे भी होंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार भी हुआ था। कैथोड मतलब कैथोड रे जो ट्यूब है उसको पहले पुराने जमाने में उस पर टीवी वगैरह भी चला करता था, उसको अपन सीआरटी बोलते थे, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अब तो नए नए जमाने का टीवी आ चुका है। तो अपन रदरफोर्ड ने आज न्यूक्लियस मतलब उस टाइम न्यूक्लियस खोल लिया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को देखो, रिजल्ट को देखो, कंक्लूजन को देखो, और जो जो पार्ट आपको यहाँ पर शो नहीं है आप जाके नोट्स देख सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि आपको मोस्टेल लॉ हो सकता है या कोई भी एटॉमिक टर्म्स हो सकता है। अगर कोई भी चीज यहाँ पर आपको विजुअल नहीं है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या जो इंस्पिरेशन इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो जोन का ग्रुप बना हुआ है उससे आप पीडीएफ भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो जहां जहां विजुअल नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट को लिख सकते हो और मैं उसको जवाब दूंगा, चाहे किसी भी तरह का डाउट हो, वो बोर्ड लेवल पे हो या नीट लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। धन्यवाद, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा।